भाई फाइनली मैंने जीत लिया इतने पैसे खर्च करने के बाद, एक एटलीस्ट एक चीज़ में जीता हूँ। दिखाऊँ आप लोगों को, अभी देखो, एक दो तीन। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई नए दिन की नई शुरुआत, वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो भाई अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ जिम, आप लोग दिख रहे हो और पीछे ना यहाँ पे सर्दी तगड़ी वाली हो रखी है ना, और अंधेरा भी हो रखा है। और ये सोच रहे हो यार भाई अभी तक जिम नहीं, आज जल्दी कैसे जा रहे हैं। जल्दी जाने का रीज़न ये है कि मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं आज यहाँ पे, कल रात में वो लोग आ गए थे, तो इस चक्कर में मैं जल्दी जा रहा हूँ जिम ताकि जल्दी फ्री हो जाए। फिर हम लोग आज जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए, ब्लैक पूल जा रहा हूँ। वैसे ना मौसम इतना अच्छा नहीं है, जाने लायक नहीं है, बट भाई उनको जाना है, चलेंगे घुमा के लाएंगे, है कि नहीं। तो जैसे कि भी गाड़ी नहीं खड़ी यहाँ पे, फ्रेंड की गाड़ी खड़ी है, तो जैसे वो लोग आए हुए हैं तो भाई उसकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी खड़ी लगी बाहर, मैंने लगा रखी बाहर। चलते हैं भाई जिम। तो भाई अपनी बसंती है खड़ी यहाँ पे ना, दिख रही होगी आप लोगों को। तो इसको चार्ज भी करना है, और दूसरा फिर वहाँ से जिम से आके तैयार वैयार होके खाना वाना खा के फिर निकलते हैं ब्लैक पूल के लिए। आप लोगों को भी दिखाता हूँ ना, समुंदर दिखाता हूँ, बीच दिखाता हूँ, बीच पे क्या क्या होता है वो भी दिखाता हूँ। भाई गाड़ी वहाँ पर लगा दी मैंने बाहर, है ना, मैं वापस जा रहा हूँ घर पर। रीज़न ये है कि मैं जिम का कार्ड भूल गया हूँ, तो कार्ड लेना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना गाड़ी कह रहा हूँ जिम में एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं, जिम का कार्ड लेके आते हैं फिर दोबारा निकलते हैं। ऐसे आ गया हूँ जिम में, देख लो अभी भी अंधेरा ही है ना, तो खाली दो या तीन गाड़ियाँ खड़ी है, एक मेरी खड़ी है, और ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। वैसे तो मैं आता हूँ 8:30 बजे, आज बजे 7, खाली 1.5 घंटे पहले आया हूँ मैं, और ये टाइम भी निकल जाएगा, अभी जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। तो भाई जो आज का सेशन है जिम का ना, वो ख़त्म हो गया। और देखो मैं क्या है, ये क्या है मेरे पास, दिख रहा है आपको। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आज कौन सा वर्कआउट था जो मैं स्ट्रैप्स लेके आया हूँ। भाई आज का सेशन है वो ख़त्म हो चुका है, एकदम बढ़िया सेशन रहा है मेरा, मतलब इंटेंस कह रहे हैं ना, 1 से 1.5 घंटे का सेशन था, पर इंटेंस सेशन था एकदम बढ़िया वाला। तो अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, गाड़ी तो अपन लगाएंगे चार्ज में, गाड़ी में चार्ज शायद 30% समथिंग है, 70% वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन चलेंगे ब्लैकपुर। पहले जाते हैं कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, ठीक है, चलो भाई। मौसम देखो एकदम साफ़ हो रखा है, बस भगवान करे अभी ब्लैकपुर जा रहा हूँ ना, तो वहाँ पर समुद्र है, बीच है, तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी रहती है। अगर ऐसा साफ मौसम रहा तो सही है भाई, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, काफ़ी तेज़ सर्दी होगी वहाँ पर। जो मैंने मेरी गाड़ी को यहाँ पे चार्ज में लगा दी, जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा, आप लोगों को मैंने बताया था वो 30% चार्ज है, 70% मुझे करना है, तो यहीं लगा के छोड़ के जा रहा हूँ उस गाड़ी को मैं ना। अब यहाँ से अपन चल रहे हैं घर, ताकि गाड़ी चार्ज होती रहेगी। अपन नहाते धोते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं, और फिर वापस आएँगे, फिर यहीं से चलेंगे सीधा ब्लैकपूल, है ना, यहाँ ब्लैकपूल चले। तो यहाँ गाड़ी लगा दी अपन ने चार्ज में, दिख रही होगी आप लोगों को, चलो भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ब्लैकपूल। तो भाई ये नित्या है, राम राम कह दे, राम राम। और भाई अपना सुमित, तो फिर से नाम भूल जाता हूँ, मैं नाम बहुत भूलता हूँ, नाम और चाबी भूलने मेरी आदत है। चलो यहाँ से निकलते हैं ना गाइस। अभी अभी हम आ लिए हैं ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं, ब्लैक पूल प्लेजर बीच। आपको समुद्र दिखाया जाएगा, बीच दिखाई जाएगी, बीच पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी आपको। चलो भाई, ये है ब्लैक पूल का, है ना, प्लेजर बीच दिख रहा है आप लोगों को। तो भाई अपने ये बीच पे हैं अभी फिलहाल अपन, है ना, ये ब्लैक पूल टावर है यहाँ पे, और दिख रहा होगा आपको, है ना, समुद्र अगर तैरने वाला था, पर थोड़ी सर्दी हो रखी है, मैं तैर नहीं रहा है यहाँ पे। तो भाई अभी आपको दिख रहा होगा पीछे, है ना, मैं यहाँ पे बीच पे हूँ, ग्लेशियर बीच है, है ना, ब्लैक पूल का। और अगर आपको दिख रहा हो पीछे टावर है ना, वहाँ पे चलेगी थोड़ी देर में, तो रित्या वगैरह को सबको घुमाना है वहाँ पे। तो भाई जो पानी है वो पूरा अभी ऊपर तक आ गया है ना, वैसे पानी काफ़ी पीछे रहता है, हम लोग थोड़ा लेट हो गए आने में ना, तो हाँ अभी पानी सर के ऊपर चढ़ा हुआ दिख रहा है, काफ़ी तेज़ लहरें हैं, और क्या बोलते हैं, शक्ल कैसी आ रहा है, तो रखिए नाइट का करके भाई, नर्सिंग कर लेना, पर नाइट शिफ्ट मत करना, ये झूले भी बंद कर रखे हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नाइट के बीच में, हेल्थ के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये पीछे देखो, है ना, बढ़िया माहौल है। तो भाई वहाँ बीच के ऊपर से हम लोग आ गए हैं, और भाई मेरे जूते बिक गए हैं, मेरा अंदर भी सॉक्स वगैरह सब चीज़ें बिक चुकी हैं, देख रहा हूँ कोई स्टॉल मिल जाए शूज़ की, मैं खरीद लूँगा इसे, ना तो अच्छे मिल जाएंगे दोनों। तो भाई मैंने अभी जूते लिए हैं एडिडास से, है ना, और सॉक्स लिए भाई न्यू बैलेंस की। क्या करूँ, रीज़न ये है कि मैंने जैसे बताया अभी मैं वहाँ सी पे था, तो मेरे को पता नहीं था, अचानक लहर आई और जूते मेरे बिक गए यार पूरे पूरे, और ठंडी मतलब ठंडी क्या सर्दी यहाँ पे हो रखी तगड़ी वाली, तो इस चक्कर में मैंने सोचा सर्दी लग जाएगी, अभी तो थोड़ा सा ही हुआ हूँ, दोबारा बीमार हो जाऊँगा इस चक्कर में। पहली रात से जूते लिए, मतलब बढ़िया, अपना नुकसान ही हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। मैं प्यूमा वाले पहन के आया था, उसमें हल्के हल्के छेद से, है ना, मतलब
बने बनाए, ऐसे नहीं जो फट गए ऐसे वाले नहीं, पहले से जैसे थे। तो इस चक्कर में उसमें से पानी जाके अंदर, मैं दिखाता हूँ यार आप लोगों को। तो ये दिख रहे हैं छोटे छोटे होल हैं इसके अंदर ना, तो भाई इसके तो इसके अंदर से ना पानी चला गया अंदर, है ना, पूरे सॉक्स वगैरह सब चीज़ें दिख गई। बट अब मैंने जूते ले लिए यहाँ से, तो दिख रहा है मेरे पीछे ब्लैक पुल टावर, दो बार दिखा दिया मैंने आपको, अभी ऊपर चल के भी दिखाऊंगा ना। तो भाई मैंने जूते लिए एडिडास के, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में बैठूंगा, चेंज करूंगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और ये बताऊँगा कितने के पड़े अपने को, ना कोई नुकसान हो गया। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पुल की गलियों में, पार्किंग भूल गए थे, पार्किंग कहाँ पे हमने गाड़ी लगाई थी, बड़ी मुश्किलों से मिली है, अभी तो पता चलेगा मिली है कि नहीं मिली, आगे जाके पता चलेगा। नहीं भाई यही वाली पार्किंग है जहाँ लगाई थी, गलियाँ दिख रही हैं, इससे बढ़िया मेरे गाँव की गलियाँ हैं। हाँ भाई यही पार्किंग है, मिल गई ना। जूते चेंज करते हैं हम लोग, मैं लेके आ गया था इस करके क्योंकि अपने जो जूते थे वो भीग गए थे वहाँ पे। चलो भाई अभी अपन जूते चेंज कर लेते हैं, जूते और सॉक्स दोनों भीग गए थे मेरे। जो सॉक्स लिए भाई वो इसके लिए थे, न्यू बैलेंस के। हाथ ऐसे ठंडे हो रखे हैं, जम गए मेरे सॉक्स नहीं पहनी जा रही। हाथ तो हो ही रखे हैं, हाथ तो हो ही रखे हैं, कुछ ज्यादा ही ठंडे हो रखे हैं हाथ तो। भाई जूते मैंने ये लिए, अरे सेम देखे थे मैंने, सेम नित्य ने लेने नहीं दिए। एडिडास के जूते हैं ये, अपने को 100 पाउंड के थे भाई, सही डील मिल गई अपने को वाली ना। तो अब कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे, बस बात ये जरूरत में मिल गए। हाँ सबसे बड़ी चीज ये है। चल ठीक है, ओके। तो भाई अपन ने गाड़ी वापस लगा दी यहाँ पे पार्किंग में ना, अपन निकल रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं सबवे कुछ खाने के लिए, और भाई अपना सुमित उन साथ है ना। तो हाँ जूते अपन ने पहन लिए, ये देखो ये वाले जूते ना अपन ने ले लिए थे यहाँ से अभी एडिडास के, तो निकलते हैं यहाँ से यार। तो भाई अभी अपन सबवे आ गए, ये देखो मौसम तो निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम था, अभी सबवे जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, फिर यहाँ से फिर देखते हैं नेक्स्ट अपने को क्या करना है। तो भाई अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या बोलते हैं इसको, टॉयलेट करने के लिए ना, सब जगह ढूंढ लिया कहीं मिला नहीं, तो ये एक मिला दिख रहा है आप लोगों को, लाइन से लगे हुए यहाँ पे टॉयलेट्स हैं ना इसके लिए, पर आपको पे करना पड़ेगा। दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे अपने इंडिया में जाते रेलवे स्टेशन के ऊपर हो गए, बस स्टैंड के ऊपर हो गए, तो पे करना पड़ता है आपको टॉयलेट के लिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखो है ना, तो आपको यहाँ से अपने कार्ड से पे करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी, है ना। तो ये है इस साइड का पूरा, आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो टॉयलेट को। तो भाई ये कार्ड सिस्टम है, इसके ऊपर कार्ड लगाया अपन ने, देखा 40p, मतलब 40 रुपये में टॉयलेट करनी पड़ेगी एक बंदे को, पर हम लोग दो जने थे, एक के पीछे एक घुस गए और करके आ गए, अपने टॉयलेट पड़ी है 20p की, है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे ये कसिनो है, अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ दिखाएंगे, चलो पहले सबवे चलते हैं। सबवे रोल्स, ये देखो दो रोल सामने बैठे हैं। तो भाई जो अपना ब्लैक पुल टावर था वो बंद मिला है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती थी अपनी। तो भाई मैंने तो खैर देख रखा है, पर भाई लोग नहीं देख पाए ना जिनको मैं लेके आया था अभी। बाकी मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या एक कोरल बीच है ना, अंदर अम्यूजमेंट पार्क टाइप का ही है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। हो गया, चलो बहुत बढ़िया यार, धन्यवाद। तो ये अभी अम्यूजमेंट पार्क टाइप का ही दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे अभी हम लोग आए हुए हैं, तो जो करते हैं पहले यहाँ पे क्या है क्या नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई अभी मैं अंदर कसिनो में चला गया था, कसिनो में मैंने लगाए 20 पाउंड है ना, और मैं जीता कितने पता है, 20p और 10p, मतलब टोटल मिला के 30p जीत के आया हूँ भाई मैं, समझ रहे हो। मैंने 20 पाउंड मतलब 2000 रुपये में मैंने जीते 30 रुपये। ये यहाँ पे भाई तगड़ी रेस चल रही है, पता नहीं काहे की चल रही है, क्या ही चल रहा है यहाँ पे भाई। मैं टोटल मिला के 30 पाउंड हार चुका हूँ यहाँ पे, 3000 रुपये।
तो भाई फाइनली मैंने जीत लिया इतने पैसे खर्च करने के बाद, एक एटलीस्ट एक चीज़ में जीता हूँ, दिखाऊँ आप लोगों को। अभी देखो, एक दो तीन, ये देखो मैंने जीता पिंग पोंग बॉल, वो क्रेजी बॉल आती थी ना बचपन में खेलते थे, वो जीती भाई मैंने। देखा तो भाई, आप देखो ना रात में ऐसा लगता है ब्लैकपूल टावर, दिख रहा है आप लोगों को। चलो हमने भी देख लिया। तो भाई हम लोग वापस घर पर आ गए ना, घर आने के बाद फिर मैं गया था अपने घर, वहाँ पर थोड़ा कुछ खाया पिया है, चाय वाय पी है, फिर मैं दोबारा आ गया हूँ यहाँ पर बॉलीवुड बॉलिंग सेंटर पे, हम लोग बॉलिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो पूरा दिन आज का व्यस्त चला गया और आंखों में मेरे भाई तगड़ी वाली नींद आ रखी है, बट करना पड़ेगा ना, आए हमने बोला भी है कि चलते हैं, तो चलो भाई आज इसको एंजॉय करते हैं बढ़िया तरीके से। ये हमारी लेन तैयार नहीं है, बस हम लोग लेन का वेट कर रहे हैं, बस बॉलिंग स्टार्ट हो, तो आप लोगों को बता दूँ। तो भाई नित्या रानी अभी कर रही है तैयारी, भाई अभी नित्या करेगी, देख रहे हैं अभी। हाँ जानते 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 इसके साथ में चले जाना, बहुत बढ़िया। देखते हैं मिस होए गए, मिस है। अब ये करके दिखा, ये दो मिनट में कितने सेकंड नहीं, अब ही बैठ रहा है, अब देखियो भाई। अभी गेम चल रहा है और सुमित चल रहा है नंबर वन पे, कैंप नित्या चल रही है नंबर टू पे, मैं चल रहा हूँ थर्ड फ्लोर, कैमरामैन नंबर फोर पे, बहुत बुरा नाश हो रखा है मेरा। तो अभी चल ही रहा है प्रोग्राम, देखा आप लोगों ने ना, फिर अभी लास्ट चांस बाकी है, इसके बाद हमने दोबारा रिन्यू करवाया, एक गेम और करेंगे इसके बाद, देखते हैं क्या होता है। तो भाई अपना गेम यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, मैं तो क्लियर विनर हूँ एकदम, 113 नंबर, अब तो कोई पहुँच भी नहीं सकता वहाँ तक, है कि नहीं। हाँ तो भाई मैं क्या बोलते हैं, अभी सुबह हो गई है ना, तो क्या कहते हैं इसको, अपन वहाँ से आ गए थे कल रात में, देखो सर्दी ठीक है, सर्दी तगड़ी वाली सर्दी हो रखी, तो रात में अपन वहाँ से आ गए थे, आने के बाद फिर मैं सुबह उठ के मैं जिम भी मारे हुआ है ना, तो आज अपना प्लान है लिवरपूल जाने का, बट इस वाले ब्लॉग को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, वरना भाई ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वाला है ना। तो चलो होपफुली आपने इन्जॉय किया हुआ इस ब्लॉग को ना, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए भाई सभी लोगों को राम राम।